तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। मतलब ऐसे में तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है, इसके बारे में एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है इसके बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रहा इस वीडियो की दोस्तों, इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उसके बारे में। हाँ दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से यूजर को काफ़ी सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में आपका पास अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फ़ोन है तो आपको पता होगा कि दोस्तों इस फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम का फेस आपको जरूर करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप अगर एक मोबाइल खरीदने का मन बना रहे हैं और उस मोबाइल में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से जरूर क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो जो भी है, इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वजह से जो यूजर है उसको क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी स्लोली काम करता है। आपको पता होगा मतलब डिस्प्ले के ऊपर उंगली को रखो, उसके बाद मतलब काफ़ी देर बाद जाके फोन आपका अनलॉक होता है। लेकिन जहाँ तक पता फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि उंगली के जो है सेंसर के ऊपर रख दो तुरंत आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक पता अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ जो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी स्लोली काम करता है। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो सबसे पहले प्रॉब्लम है इस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। दूसरा में दोस्तों, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना, वो गिल्ला हाथ में काम नहीं करता है। मतलब मान के चले कि आपका हाथ गिल्ला है, मान के चले कि आप हाथ धो के आए हैं और हाथ को पोछे नहीं, वैसे में अगर आप अपना मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से, दोस्तों क्या होगा कि आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका हाथ गिल्ला है। ये बात आपको भी पता होगा कि गिल्ला हाथ में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर पाता। उसके बाद मान के चले कि आपका हाथ में ऑयल वगैरह है, तेल वगैरह है, ऐसे में जो है आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से अगर अपना फोन का अनलॉक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या होगा कि आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आपका हाथ में ऑयल लगा हुआ है। मतलब ये काफ़ी बड़े एक प्रॉब्लम है कि आपका हाथ अगर गिल्ला रहा, आपका हाथ में बॉडी लोशन या ऑयल वगैरह रहा, तो ऐसे में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं करता दोस्तों, काफी एक बड़े प्रॉब्लम है। ये बात आपको भी पता होगा। हाँ, कुछ कुछ फोन है जिसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छा होता है, जैसे आपका सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस या नोट 10 हो गया। इस सबका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। मतलब दोस्तों ये काफी सिक्योर और काफी एक्यूरेटली काम करता है। आपका हाथ में अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोशन वगैरह रहा या तेल वगैरह या क्या बोलते हैं उसको वाटर या गिल्ला हाथ रहा आपका, फिर भी जो इस फोन का जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करता है एक्यूरेटली। और जो नोट 10 प्लस है उसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पानी के नीचे भी काम करता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर बैठाया गया है। लेकिन दोस्तों आमतौर पर ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये फ्लैगशिप डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो 15-16 हज़ार का डिवाइस उसमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो मिड रेंज का डिवाइस होता है उसमें आपको ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा फ्लैगशिप डिवाइस में जो काफी महंगा होता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आपका डिस्प्ले टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो ऐसे में आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम करना बंद कर देता है। मतलब मान के चलिए कि आपका फोन जो हाथ से गिर गया, गिर के जो आपका डिस्प्ले क्रैक हो गया या टूट गया, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए कि आप अपना फोन में कोई एक जरूरी फाइल को, कोई एक इंपॉर्टेंट फाइल को फिंगरप्रिंट सेंसर से लॉक कर रखे हैं मान के चलिए, तो ऐसे में अगर आपका डिस्प्ले टूट गया, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करना बंद कर दिया दोस्तों, वो जो फाइल है उसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे, उसको आप अनलॉक करके सारे चीज़ को जो है आप यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपना मोबाइल फोन का डिस्प्ले को कस्टमर केयर में ले जा करके बना लेंगे, लेकिन दोस्तों बनाने से पहले जो समय है, उतना समय में अगर आपका जो फाइल इंपॉर्टेंट फाइल है उसको अगर जरूरत है आपको, तो दोस्तों आप जो है उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो डिस्प्ले टूट गया है जिसकी वजह से आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करना बंद कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं वजह से फोन का एक प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मान के चलिए कि आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करना बंद कर दिया। दोस्तों उसके बाद चौथा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा स्कैन गार्ड को लेकर के। मतलब हम लोग जानते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में अगर हम लोग स्कैन गार्ड को, जो ग्लास गार्ड होता है ना, उसको अगर ठीक से नहीं लगाए तो वह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करना बंद कर देता है। मतलब बबल्स वगैरह रह गया, ईयर्स वगैरह रह गया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर उस जगह में, दोस्तों क्या होता है कि जो है आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी हम लोग मतलब स्कैन गार्ड को अप्लाई कर रहे हैं फोन में, तो मतलब काफी ध्यान से लगाना पड़ता है, पूरा एक्यूरेटली लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काम करना बंद कर देगा। बबल्स वगैरह थोड़ा सा रह गया, मतलब ठीक से अगर बैठा है नहीं मतलब हम लोग स्कैन गार्ड को, तो दोस्तों क्या होता है कि जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों काम करना बंद कर देता है। तो ये काफी बड़े एक प्रॉब्लम है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन के साथ। तो ऐसे में आप अगर डिस्प्ले के ऊपर स्कैन गार्ड को ठीक से बैठा भी देंगे, तो क्या होता है कि दोस्तों आपका जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है,
पहले से थोड़ा स्लो काम करने लगता है, मतलब पहले जितने स्पीड में काम करता था उतने स्पीड में भी काम नहीं कर पाएगा। काम करेगा जरूर ठीक से बैठने के बाद, लेकिन दोस्तों पहले से थोड़ा स्लो काम करेगा। क्यों करेगा? देखिए, क्योंकि आपका डिस्प्ले और आपका उंगली के बीच उस समय आ जा रहा है ग्लास गार्ड या स्क्रीन गार्ड। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दोस्तों जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थोड़ा लेट से उंगली तक पहुँच रहा है या थोड़ा सा स्लोली पहुँच रहा है या ठीक से पहुँच नहीं पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का दोस्तों थोड़ा सा स्लोली काम करने लगता है, मतलब स्क्रीन गार्ड को बैठाने के बाद। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक प्रॉब्लम है कि भाई स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, या काम करता भी तो दोस्तों स्लोली काम करता है, पहले से कभी स्लो हो जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक प्रॉब्लम है दोस्तों। उसको जो पांचवा प्रॉब्लम सर निकल करता है वो हो गया प्राइस को लेकर के। मतलब हम लोग जानते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन थोड़ा सा महंगा होता है। अब महंगा क्यों होता है? देखिए, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना, वो एमोलेड डिस्प्ले में ही काम करता है, आईपीएस डिस्प्ले नहीं काम करता है, वो काम करता है एमोलेड डिस्प्ले में। तो ऐसे में एमोलेड डिस्प्ले काफी महंगा होता है, हम लोग सबको ही जानते हैं कि भाई जो एमोलेड डिस्प्ले होता है ना आईपीएस डिस्प्ले से काफी महंगा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि फोन का जो प्राइस वो बढ़ जा रहा है, ऊपर से आप फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से भी जो है फोन का प्राइस को कंपनी बढ़ा देता है। तो ये कारण की वजह से जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला जो फोन है थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलेगा। और जो अच्छे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन होता है ना, वो तो और महंगा होता है। जैसे कि आपका सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस हो गया, नोट 10 प्लस हो गया, ये सारे फोन में दोस्तों अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर बैठाया गया है, जो कि काफी एक्यूरेटली काम करता है, काफी फास्टली काम करता है। और दोस्तों मतलब हाथ अगर गिल्ला भी रहा फिर भी दोस्तों ये बढ़िया से काम कर देता है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन है ना, ये दोस्तों और भी महंगा होता है। जैसे कि आपका सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस, नोट 10 प्लस, इसमें क्या होता है, इसका दाम दोस्तों देखिए आप कितना ज्यादा है, 60,000, 70,000। जो नोट 10 प्लस उसका दाम दोस्तों 80,000, 90,000, मतलब काफी महंगा है इसका दाम। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन है दोस्तों, काफी महंगा होता है, ये बात हम लोग सबको जानते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं भी जो इस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का एक प्रॉब्लम है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला जो फोन होता है काफी महंगा होता है। दोस्तों ये सर बातें आपसे करनी थी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन के बारे में, मतलब ये सारे प्रॉब्लम जो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मतलब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ हम समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है सारी चीज़ को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी है ये आपको अच्छा लगे, जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी इसको हम लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो से जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना आपके लिए लाते रहता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा के ऑल कर लीजिए, जिसमें कहा कि हमारे जो नए नए वीडियो है, हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है, उसका अपडेट आपको तुरंत तुरंत मिलते रहेगा, हमारे कोई वीडियो का आप मिस नहीं करेंगे। तो जो भी है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।